तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा समझ लिया। तो देखो आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। कक्षा 9वीं का आपका गणित विषय का पूरा पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखो ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देशों के बाद में देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना है 6। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4/5 और 1/5 का योग। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग बल या अंतर सदैव संख्या होगी। तो देखो ये अपरिमेय संख्या होगी, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, 729 सही 1/3 का मान। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, 4 का बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, जो कि आपको प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, निम्न में से एक्स अक्ष के स्थित बिंदु 1 है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर तो ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। तो देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन था आपका 6 नंबर का, खाली बॉक्स में संख्या होगी। देखिएगा खाली बॉक्स में आपका 14 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें ताकि आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा कर सकें। तो पहला क्वेश्चन, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद में -1 और कोष्टक के अंदर लिखा -1 + 4 - 2। तो देखो यहाँ पर आपको माइनस का 1 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, a की घात 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। शून्य बहुपद की घात होती है 0 होती है। 2π एक संख्या है, तो देखो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनको देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस हो गए थे। 6 का राइट आंसर वो देख लीजिएगा आप लोग, 3 इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। जोड़ी मिलान में पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है आपकी 2.4/10, देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा 0.24 से। और इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पे लिखा 36.5 - 5 और इसके बाद में माइनस का 5.4, देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 0.24 से। और उसके अलावा देखो -2 - -3.5, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान 7 से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4 नंबर का क्वेश्चन, 216/6, देखो इसकी जोड़ी का मिलान 36 से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 5/4, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा 1 से, -1 से इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना है। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके उत्तर को जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, 857 से संख्या 5 का स्थाई मान क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5, यहाँ से आप लोग देख लें। और देखिएगा यहाँ पर आपको ये क्या लिखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको इसका स्थाई मान बताना है। क्या लिखा है, 8752 में 5 का स्थानीय मान 50 होगा, इसमें क्या लिखोगे आप लोग, 50। ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है इसमें, 50 आपको लिखना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आप सब यहां से इसको देख ले पूरा का पूरा। तो देखो इसमें आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, जोड़ी का मिलान भी एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसकी जोड़ का मिलान आपको इससे करना होगा, ये जो नंबर डले ना इस हिसाब से जोड़ी का मिलान होगा आपका, यहाँ से देख ले आप लोग। और इसमें
इसका राइट आंसर 50 आ जाएगा। एक और दो के बीच परिमेय संख्या लिखिए तो देखिएगा अनंत होती है। उसके अलावा 59/6 में शेषफल का मान क्या होगा, 4 होगा। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो देखो एक शून्यक होता है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको देखते हैं। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हो, तो देखो इसको कहते हैं शून्य बहुपद। 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो देखिएगा इसका अगर दशमलव प्रसार देखा जाए तो ये अशांत अनावृत्ति होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले, प्रश्न नंबर 5 में जो पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो देखो गोलाकार तो नहीं होती शंकु, तो देखो इसको आपको असत्य कर लेना है, ठीक है ना। प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके अलावा -5 -2 से छोटी है किंतु -8 से बड़ी है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लें, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलन बेलनाकार आकृति का होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आप उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें, ये प्रश्न नंबर 6 पूरा का पूरा आपको दिया गया है। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लें। आमिर ने बैंक से 135,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्जा चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपये अदा किए, ये सवाल आपके पेपर में आएगा। उसी के बाद में देखो ये सभी के सभी सवाल है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 8 को देख लें। उसके अलावा देखो ये नवा सवाल दिया गया है, और इसके बाद में देखो ये आगे सवाल दिए गए हैं। सभी के सभी सवाल है ये जो कि ऐसे सवाल है आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 को देख लें, 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को देख लो, प्रश्न नंबर 13 को देख लो, और उसके अलावा देखो 14 को देख लीजिएगा, 15 को देख लें। टोटल ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बता दिया। तो आप सब लोग इसी प्रकार से इनको पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा इसी प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा देखो इधर से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 16 लिखा है, यदि सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजगणितीय व्यंजक आपको लिखना है। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 17 को आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 18 लिखा है, और 18 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और प्रश्न नंबर 20 लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से बता दिया है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।